मैं इसी 72-35 डेढ़ साल मुझे लिए हुए हुआ। मैंने एक एवरेज लगाया है, एक साल में तेल की लगभग बचत 1 लाख रुपए की होती है। जब से मैंने मैसी 72-35 ली है तब से दूना काम बढ़ गया। पहले हम 10 ट्राली भरते थे, अब 15 से 20 ट्राली का काम हो जाता है और कम समय में अधिक ज्यादा काम हो जाता है। हमने जब मैसी 72-35 खरीदी उसके बाद हमने हमारे घर की आर्थिक स्थिति में बहुत लाभ हुआ है। अब हमने एक प्लॉट भी बुक कर दिया है फाइनेंस पे और इसके सहारे हम उसकी किस्त दे रहे हैं। मेरा नाम रामचंद्र, जिला लखनऊ का रहने वाला। मेरा नाम अल्पक प्रताप सिंह है, मैं राम गोपाल का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम सुधीर कुमार यादव है, जिला लखनऊ का मैं निवासी हूँ। हमें धुलाई के लिए ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि जो आगे से उठे ना। इसमें 75 kg का ये बम्पर है जो ट्राली में बहुत अच्छा काम करता है। बुल गियर है जो आर्मी की गाड़ियों में होता है, इसलिए चढ़ाई में और उतरने में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अन्य गाड़ियां जो है आज के जमाने में आगे से उठ जाती है हल्की होने के कारण, जिससे खतरा ज्यादा रहता है। मैं 25-26 कुंतल लोड इस ट्रैक्टर ट्राली पे ले जाता हूँ जो मंडी तक पहुँचाता हूँ। इसमें आयल ब्रेक है, बहुत ही अच्छे ब्रेक काम करते हैं, जहाँ मनाए वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। कहो बेटा रुक जा तो बिल्कुल ये रुक जाएगा, ये चाहे जितना भी लोड हो। अन्य ट्रैक्टरों में साइड में झुक के गियर लगाना पड़ता है, उससे हमारी ध्यान भटक जाता है। जैसे कोई रोड पे ट्रैफिक हुई, हम झुक के गियर लगा रहे हैं, वो आगे एक्सीडेंट हो गया। इसके साइड शिफ्ट गियर हैं, जिससे हमने हमारे हाथ के पहुंच में होते हैं तो हम गाड़ी तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। इसकी अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, उसमें प्रेशर भी आती है, उसको एक उंगली से हम नचा सकते हैं। मैं आपको इसका बोनट खोल के दिखाता हूँ। इस गाड़ी में बड़ा टैंक होने के कारण डीजल बार बार नहीं डालना पड़ता है। मुख्य बात यह है कि यह सिमसिंग का इंजन है जिसका कोई तोड़ नहीं। ये 35 हॉर्स पावर का इंजन है, ये 40 HP तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण हमें ये लगता ही नहीं कि हम 40 हॉर्स पावर की गाड़ी नहीं चला रहे हैं। इसकी हाइड्रोलिक एकदम सटीक है, तो ये कल्टीवेटर पे बहुत अच्छा माइलेज दी है, अच्छे से इसको चलाने में मजा आता है और आराम से। इसकी हाइड्रोलिक शानदार होने के कारण, अच्छी होने के कारण ये झटका नहीं देती, जिससे हमारे खेती में आसानी से बढ़िया से सब कृषि कार्य हो जाता है। कम से कम 90-900 ग्राम तेल हर बार बचत हो जाती है। और इस गाड़ी की एक मुख्य खास बात यह है कि ये लंबी गाड़ी है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं और बहुत ही आरामदायक है। इसकी कंफर्टेबल सीट है, जिस पे हम पूरे दिन ट्रैक्टर चलाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दसियों घंटे काम करने के बाद भी इसमें थकाव नहीं आता है और इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है। मेरी गाड़ी 1.5 साल से मैंने जब से ली है तब से मेरी गाड़ी घर ही पे सर्विस होती है डीलरशिप के द्वारा, और कोई इसमें पार्ट्स भी आज तक कोई खराब नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया सुविधा मिलती है घर ही पे, एकदम हमें घर जैसा ही फील होता है। मैसी फर्गुसन परिवार से, जब से 72-35 मैसी लाया हूँ तब से मैं लाखों रुपए की बचत इससे किया हूँ, और इसी की बचत से घर मकान और सब कुछ बनाया हूँ, और एक बच्चा मैं अपना बाहर भी पढ़ा रहा हूँ, और इससे सब कुछ मैं उत्पन्न करके मैं आज बहुत परिवार सहित खुशहाल हूँ। जब से मैंने ये ट्रैक्टर खरीदा है तब से हमारे घर की कुछ आर्थिक स्थिति में बहुत बढ़ावा हुआ है, जिसके कारण हमने अपना नया घर बना लिया। मेरे घर के में कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी थे जिनको हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, इस ट्रैक्टर के कारण हमने उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और उनकी पढ़ाई भी अच्छे से करा रहे हैं। मैसी 72-35 जब से हमने ली है तब से मेरी इनकम दूना हो गई है, और हमारे गांव के आसपास और गांव में भी मान सम्मान बढ़ गया है, और हमारी पारिवारिक स्थिति जो थी
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मैक्सी 7235 बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है और बहुत भरोसेमंद गाड़ी है हर किसी चीज में। अन्य लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ कि भैया मैक्सी 7235 लाओ और खुशहाली मनाओ। ये आपके जिंदगी के सारे बोझ को हल्का कर देगा, ये आपके सारे सपने पूरा कर देगा। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि घी खाओ देसी और ट्रैक्टर चलाओ मैसी।